सईबा और हानिया तैयार हो गए। और शाम की पहली बड़ी जंग हुई थी और इसके बाद हुई थी गजवा अहद, ये हुई थी गजवा बदर। और चलो सईबा आप भी ले लो और अपनी मम्मा को भी बोलो वो भी उठा। हानिया आ गई है करे और आयो क्या करे यहाँ पे, और यहीं से बैठ के हम काफी एंजॉय कर रहे हैं। फेस बंद किया हुआ यहाँ से। हाँ वाकई इसने अपना फेस बंद किया हुआ। जाओ तैयबा जाओ जल्दी से नहा लो जल्दी। अभी मैं मुस्फा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मुस्फा ने आज फिर से जो है ना पाकिस्तानी ड्रेस पहनी है। मुस्फा नहा के इधर बैठा हुआ है और आज हमारे ईद का सेकेंड डे है माशाल्लाह से, और बच्चे जो है ना अभी बस तैयारी में बिजी है। हानिया ने ये वाली ड्रेस पहनना है ईद का जी। हानिया अपना लेकर जा रहे हो ऊपर। चलो 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 जल्दी से मैं प्रेस कर दूं और आपको पहना दूं। इधर रखो हानिया मैं जल्दी से प्रेस कर दूं फिर मैं पूरा रेडी करवाऊं। ओके हानिया जी मैं कह रही हूँ कि ये वाला येलो पहन लो बहुत प्यारा लगेगा। क्या बोलते हो आप? ठीक है ठीक है। ये कब पहनूंगी? ये फिर किसी और दिन, ये कल पहनना ठीक है। कल ईद का तीसरा दिन होगा ना, कल ये वाला पहन लेना। ये हानिया को बहुत पसंद है और कल से हानिया कह रही कि मुझे ये वाला पहनाओ। कल इसने हानिया ने पाकिस्तानी ड्रेस पहना जो सितारा लेकर आई थी और आज ये पहन रही है, और ये मैं हानिया को कह रही हूँ कि ये कल पहनेगी। ठीक है ठीक है ना। सईबा और हानिया तैयार हो गए और दोनों बैठ के यहाँ पे अपने शूज पहन रही हैं, और बच्चे यहाँ पे सारे जमा हो गए मेरे हस्बैंड के पास क्योंकि अभी इनसे सबको ईदी मिलने वाली है और सब कुछ नजर आ रहा है। सबसे पहले आयत को दे, आयत को दे सबसे पहले। ये लो ये आपकी ईदी है। आयो पैसे लेके बाहर आ जाओ। हानिया बाप की बारी आप ले लो। आ जाओ आ जाओ तेई बाप आप ले लो। आ जाओ ये मेरी नानी के लिए। आपको मेरी तरफ से ईद और ईद मुबारक। अब मुस्फा आप आ जाओ आपकी बारी। आ जाओ ये आपकी ईद और ईद मुबारक। चलें अब सब चलें। आयत आयु कहाँ चले? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज ईद का दूसरा दिन है मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक ऐसी ढेर सारी और खुशियों भरी ईदें देखना नसीब फरमाए, हर साल नसीब फरमाए, आमीन यार। ऐसे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ अपनी बहन के साथ, काफ़ी टाइम बाद मुझे भी ये मौका मिला है सितारा के साथ। जैसे अम्मी तो है मेरे साथ, सितारा के साथ और सितारा के बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही हम इन्जॉय कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अपनी छोटी छोटी खुशियों को आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और अभी बच्चे भी रेडी हो गए, सब रेडी हो गए, नीचे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ वीडियो। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि वहाँ पर समंदर है, समंदर भी देखेंगे। क्या कर रहे हो आप हानिया? ये क्या किया हानिया ने, क्या बना दिया यहाँ पे? दिन तो अभी गर्म हो गया और अम्मी भी आ गई हैं अभी। अम्मी दिन गर्म हो गया ना, गर्मी लग रही है अभी। अब अल्लाह खैर करे कि एसी काम करे गाड़ी में। बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे जाना है आप सबने ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ अब जल्दी करो बैठो। चलो तैयबा और हानिया, आयत और हानिया रह गए। आयत आयो, आयत की पोनिया तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये फैमिली पीछे बैठ गई है सारी। हाँ पीछे करो, इस सीट को पीछे करो। हाँ बैठ गए हैं सब, सब सुकून से बैठ गए हैं। अम्मी अभी तक नहीं बैठी, अम्मी भी आ गई है माशाल्लाह से। बस अब बैठ गए सब, अब बिस्मिल्लाह करें और शुरू करें, चलाएं गाड़ी अब। अभी हम मदीना मुनव्वरा से निकलने वाले हैं और टाइम हो रहा है हमारे पास 1:22, और अभी तक हम मदीना मुनव्वरा की हदूद में हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मदीना मुनव्वरा से निकलते निकलते, और अभी हम सफ़र पे निकले हैं तो मैं यहाँ पे सफ़र की दुआ पढ़ रही हूँ। अम्मी मोना के पास पावर बैंक है, वो तो ले दें पीछे से, मुझे मोना के पास है दे दे, अम्मी मुझे दे दें। आयत आ गई है, ये आयत बच्चा आ गया है, ये प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा है, ये प्यारा सा बच्चा। हाँ ये पोनिया कहाँ से लाई है इतनी प्यारी सी? और अभी हम बदर के खूबसूरत से शहर में इंटर हो गए हैं, और इंटर होते ही देखें इर्द गिर्द जो है रेत के पहाड़ हैं बदर में माशाल्लाह। और यहाँ से देखें बदर का खूबसूरत शहर माशाल्लाह, यहाँ से बिल्कुल साफ जो व्यू है बदर का, बदर के शहर का यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। बदर का छोटा सा शहर है, बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत। और अभी हम बदर पहुँच गए, वहाँ पर सामने बिल्कुल मस्जिद है, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। सामने जो है ना मकबरा है हमारा, ये देखें बहुत ही बड़ा मकबरा है। यहाँ पे इस्लाम की पहली बड़ी जंग हुई थी और यहाँ पे मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी,
और ये देखें यह वहाँ तक जा रहा है, ये उधर से बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसकी दीवार शायद जो दूसरी आप सबको नज़र नहीं आ रही होगी, काफ़ी बड़ा है यहाँ से। और ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है यहाँ पे कब्रें हैं, और यहीं से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे मुसलमानों की कितनी तादाद यहाँ पे शहीद हो गई थी। शहादत की इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मुसलमानों ने फतह हासिल की थी, और बिल्कुल इसी जंग में, इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी ये, और इसी में अबू जहल और काफ़ी बड़े बड़े सरदार और अबू जहल के बेटे को भी मुसलमानों ने मार दिया था। यहाँ पर इस्लाम की पहली बड़ी जंग हुई थी, और इसके बाद हुई थी गज़वा अहद, ये हुई थी गज़वा बदर, और इसके बाद गज़वा अहद मदीना मुनव्वरा में हुई थी। और यहाँ पर एक मैंगो का दरख्त है, लेकिन छोटे छोटे मैंगो यहाँ पर लगे भी हुए हैं, ये देखें। और इस साइड से देखें बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह ऐसे लटके हुए हैं और बड़े बड़े हैं, रेड कलर में। यहाँ से देखें सारा यहाँ से जो है ना मकबरा शुरू हो रहा है, सारी जो नेट लगी हुई है सारा अंदर मकबरा है, और यहाँ पे अच्छा खासा रश लगा हुआ है ज़ायरीन का, ज़ियारत करने जो आए हुए हैं यहाँ पे। और बस अभी हम बदर से निकल रहे हैं, और टाइम हो गया हमारे पास 3:28, और यहाँ से बदर का एग्जिट व्यू देखें कितना प्यारा है। और अभी हम रुके हैं बदर के पेट्रोल पम्प पे, यहीं से पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। हमें ये लें, यहाँ से चिप्स लें, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, दिन बहुत गर्म है। हाँ आपको हो रही है गर्मी, चलो तो बाप भी ले लो और अपनी मम्मा को भी बोलो वो भी उठा दें। डोरिटोज़ वाले काफ़ी है बस, आयो ये लें आप भी ले लें। अच्छा सफ़र हमारा काफ़ी बोर गुजर रहा था, और दिन भी बहुत गर्म है, तो हमने कुछ ठंडा भी लिया पीने के लिए, और ये चिप्स लिए डोरिटोज़ की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है। और ये लें, सबसे पहले आप लें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर बाकी सबको देती हूँ मैं पीछे। और अभी हम पहुँचने वाले हैं सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल शहर यम्बो में। अच्छा यम्बो भी सऊदी अरब का छोटा और बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है माशाल्लाह। और यम्बो हम जा रहे हैं अपनी ईद को एंजॉय करने के लिए, समंदर है यम्बो में, समंदर देखने के लिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे, तो इसलिए अभी हम यम्बो जा रहे हैं, और वहाँ पे ईद का माहौल भी देखेंगे कि ईद का माहौल यम्बो में कैसा बना हुआ है। और आप सभी हमारे साथ साथ होंगे हमारे ईद के माहौल में। और देखें यम्बो में एंटर होते यहाँ पे सारी जो फैक्ट्री है ना वो नज़र आ रही है, और वहाँ पे सामने देखें पेट्रोल की फैक्ट्री है, ये देखें ये रही सामने पेट्रोल की फैक्ट्री, क्योंकि माशाल्लाह तबारक रहमान सऊदी अरब का अपना ही पेट्रोल है। और अभी हम एंटर हो गए यम्बो के इस खूबसूरत सिटी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और माशाल्लाह हरियाली ही हरियाली है यम्बो सिटी में, और ये हरियाली कुदरती नहीं, ये मसनूई हरियाली है। हानि आ गई है, हानि की थकावट उतरी है कि नहीं उतरी, नींद पूरी हो गई है? Yes. और अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? हम समंदर आ गए हैं। हाँ गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क कर दी, और अभी हम आ गए इस खूबसूरत सी बीच पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और आगे चल के और भी ज़्यादा जो खूबसूरत मंजर है आप सबके साथ शेयर करेंगे। यहीं पे बैठना है, इसी जगह पे बैठेंगे सब। हानिया क्या करे और आयु क्या करे यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे आके ना कुछ हमें ठंडी हवा महसूस हुई इतनी गर्मी में, और अभी यहाँ पे ठंडी हवा का बहुत ही ज्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे हम समंदर के सामने हैं, और यहाँ से हल्का हल्का व्यू नजर आ रहा है समंदर का। और अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैठे कि नहीं बैठे, यहीं पे बैठे अम्मी, अम्मी कह रहे नहीं यहाँ पे रेत है, आगे चल के बैठे हैं वहाँ जहाँ पे ग्रास ग्रास नजर आ रही है सब, उधर समंदर के साथ। मम्मा याद है हम इधर आए थे? हाँ आए थे। और अभी हमने यहाँ पे जो है ना चादर बिछा तो दी है अपनी, बिछा तो दी है, लेकिन सारी देखें चारों तरफ जो है ना सारी रेत ही रेत है। और अभी हम कह रहे हैं कि वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जहाँ पे ग्रास है वहीं पे जाके बैठते हैं। और बच्चों ने यहाँ पे खेलना भी शुरू कर दिया, और आया देखें कितनी खुश लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, वहीं पे जाके अपनी बैठने की जगह ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी रेत ही रेत थी। व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ से माशाल्लाह। और यहीं से देखें यहाँ से जो है समंदर का जो पानी है कितना ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल आसमान का और समंदर का कलर जो है ना एक जैसा लग रहा है तकरीबन। पकड़ो पकड़ो वहां से, सीधा पकड़ो और सीधा पकड़ो। बस अब ये जगह जो है ना ये ठीक है, काफ़ी बेहतर है उस जगह से, ये जो भी हमने ढूंढ लिया ना, यहाँ पे ग्रास भी है, यहाँ पे बच्चे जब आएंगे ना पाँव लेके, अगर रेत भी होगी तो ये ग्रास से साफ हो जाएगी, हमारा मैच जो है ना ये गंदा नहीं होगा। यहाँ पे हमें अपनी जगह बनाई, और सामने बिल्कुल यहाँ पे समंदर है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और यहीं से बैठ के हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं, ठंडी हवा भी चल रही है। आयत झूलों पे चली गई थी, और हानिया उसे ले आई यहाँ पे। आयु हाँ वहीं पे जाना है, स्विमिंग्स पे जाना है। और अभी बच्चों ने सब ने ना कपड़े उठाए हैं स्विमिंग के लिए, हानिया ने भी उठाए हैं, अभी जा रहे हैं वॉशरूम चेंज करने के लिए, और फिर यहाँ पे स्विमिंग करेंगे सामने। अच्छा बच्चे चले गए वॉशरूम कपड़े चेंज करने के लिए, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ आगे।
अच्छा यहाँ पे सामने जो है ना बोर्ड लगा हुआ है, ओके यहाँ पे स्विमिंग करना मना है और ये डेंजरस एरिया है स्विमिंग के लिए। उसके बावजूद भी देखें काफी सारे जो लोग हैं ना समंदर के अंदर हैं। सामने ये गाड़ी आई हुई गार्ड्स की इनको निकालने के लिए, और ये कह रहे हैं कि जल्दी से बाहर निकलो नहीं तो आप सब पे जो है ना जुर्माना लग जाएगा। और माशाल्लाह देखें काफी सारा रश लगा है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और वहाँ से देखें सूरज के गरूब होने का बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे जो फैमिलीज बैठे हैं माशाल्लाह काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और ईद को एंजॉय करने का ये भी एक जबरदस्त मौका है, अपने आप को सब जिम्मेदारियों से छुड़ा के बंदा यहाँ पर आ जाए ईद को एंजॉय करने के लिए। अच्छा जैसे ही गार्ड्स की गाड़ी है ना वो देखें वो सामने खड़े हैं ना, देखें अभी आराम आराम से जो लोग हैं ना सारे वापस आ रहे हैं, सारे बाहर निकल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फैमिली जो इतनी आई है ना माशाल्लाह, उस साइड पर बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है जहाँ पे स्विमिंग एरिया है। थोड़ी देर तक मैं वहाँ पर जाऊँगी और आप सबको वहाँ का रश भी दिखाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर मेला लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बड़ों को भी छोटों को भी सब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और तमन्ना ने भी स्विमिंग करनी है, तमन्ना अभी आपको भी जुर्माना लग जाएगा, ठीक है अंदर जाना है बस ऐसे। आयो उठाओ तमन्ना, ये तो वाकई जेली फिश है, उठा लो, उठाओ उठाओ। अच्छा ये भी बंद है, इसने अपना फेस बंद किया हुआ है यहाँ से। हाँ वाकई इसने अपना फेस बंद किया हुआ है। अच्छा वाकई इसने अपना फेस जो है बंद किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ से नजर आ रही है, ये देखें कि ये जेली फिश है। तमन्ना डाल दिए वापस, यहाँ पे काफी सारी है ना इधर लाइन में काफी सारी पड़ी है वहाँ तक, देखिए सारी जो है ना ये जेली फिशेज जितनी भी है ना। तमन्ना ने आगे जाना है और मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है, मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, नहीं जाना मैट है। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ दोनों। और मेरा लाल कपड़े चेंज करके आ भी गए है, यही पे नहाना है आपने मुसवा, यहाँ पे जेली फिश भी है आपने देखी है इतनी सारी, आओ देखो वहाँ पे, ये देखो मुसवा, ये देखो ये पड़ी है जेली फिश है ये वाली, हाँ जिंदा है, हाँ जिंदा है मुस्तफा, हाँ नहीं और तो ये बका है। अब आप जाओ ना अंदर, अभी जा रही मैं अपने हस्बैंड के पास जाके उनके बोलती हूँ कि हम चलें और कुछ खाने का लेकर आए, चलिए हम कुछ खाने का लेकर आए। सूरज गरूब होने वाला है और देखिए हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कोकोनट का पेड़ है और कोकोनट लगे भी हुए हैं माशाल्लाह, और कितने सारे लगे हुए, काफी सारे है ना हर साइड से माशाल्लाह, कितने सारे लगे। हाँ तमन्ना ये भी दिखा रहे कि नीचे भी गिरा, दिखा ये वाकई कोकोनट है या कुछ और है, कोकोनट कच्चा है, कच्चा है अच्छा, और इस साइड से भी कितने सारे हैं। आ जाओ चलें तमन्ना, शाम होगी और व्यू बहुत ही प्यारा हो गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और अभी हम आ गए उस साइड पे जहाँ पे स्विमिंग का मेला लगा हुआ है, तमन्ना मुझे कह रही है कि ये मेला है, मेरी नज़र में तो ये मेला ही लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है स्विमिंग को यहाँ पे, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल यहाँ पे सी के साथ। यहाँ पे देखें ये गार्ड्स वाली गाड़ी भी खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग अलाउ है, लेकिन बस आगे एक निशान बनाया है उन्होंने रेड लाइन का, उससे आगे नहीं जा सकते, वो भी अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। और जी ये देखें माशाल्लाह, देखें सही लोग यहाँ पे कितने हैं, उस साइड से देखें कितने लोग नज़र आ रहे हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और बाकी यहाँ पे देखें किस तरह का यहाँ पे जो है ना मेला लगा हुआ है, स्विमिंग का बड़े छोटे सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कैमरे को जूम भी कर रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए ये खूबसूरत सा व्यू। और सनसेट व्यू देखें यहाँ से, देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और वो भी सी का। कॉफ़ी पीने चले? हाँ अभी चलते हैं कॉफ़ी पीने, तमन्ना ने कॉफ़ी पीनी है, इस मौसम में तो वाकई कॉफ़ी पीनी चाहिए, जो इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है। और अभी हम ये वाली भीड़, ये वाला जो मेला लगा हुआ था, अब सबके साथ शेयर करके मैं अभी वापस जा रही हूँ जहाँ पे अभी हम बैठे हुए थे। और ये रहा मुस्तफा यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, और ये रहा दूसरा मुस्तफा सितारा वाला, ये रहा और ये रहा मेरा वाला। और अच्छा ये देखें वहाँ से जो है ना ये लाइन आ रही है, और सामने जो है उन्होंने रेड बैलून भी लगा दें कि कोई इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकता, आगे जो है ना सारा डेंजरस एरिया है, तो इसलिए जो भी है सारे इसके अंदर अंदर सब स्विमिंग करें, बाहर कोई भी नहीं जा रहा। अगर बाय चांस कोई इस जगह को क्रॉस करता भी है ना, तो सामने यहाँ पे देखें गार्ड्स वाली जो गाड़ी है ना वो वहाँ यहाँ पे खड़ी है पहले से, और फौरन जो है ना वो इनको पकड़ लेंगे यहाँ से। इंजॉय कर रहे हैं और इनको देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ है हम यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद से जो है वो तो ऐसे हम फार्म हाउस में चले गए, लेकिन आज हम स्पेशली आए थे यहाँ पे, हमको जो बच्चे जो है इंजॉय करेंगे और ये ईद का जो माहौल है वो हम भी देखेंगे और आप सबको दिखाएंगे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और अभी जा रही मैं अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि बच्चे नहा लें, आप लोग आ जाओ और मुझे भी नहाने जाना है, बच्चे तो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो इसलिए अभी शाम भी हो गई है, आप जाए अभी नहा लें।
नहीं अभी टाइम नहीं है, टाइम 10 मिनट है अभी। 10 मिनट में क्या? हाँ 10 मिनट में नहा लेंगे आप, उठे आपने वैसे भी कपड़े चेंज किए, जाए अभी नहा ले। आ गए आप दोनों कपड़े चेंज करके? हाँ, और यहाँ पे ये कपड़े इन्होंने रख दिए, अब मैं चलूँ आप दोनों के साथ? चलो चले। दोनों अपने शूज उतार दो, शूज गंदे हो जाएंगे। और अभी अम्मी हानिया और तैयबा गई थी वॉशरूम, तो अभी अभी आए हैं और मैं इनको लेकर जा रही हूँ। क्या हुआ, नहीं जाने दे रहे? तमन्ना, मोना और सितारा आ रही हैं और नहीं जाने दे रहे, और हानिया का रोने वाला मूड बन गया यहीं से। टाइम ओवर हो गया? हाँ बस। फिर अब पापा ने अब तैयबा का भी मूड ऑफ हो गया और हानिया का भी। जाओ तैयबा जाओ, जल्दी से नहा लो, जल्दी करो। हाँ इंजॉय कर रहे हैं सब। हाँ जी जाओ जल्दी से, जाओ जाओ जाओ, देखो तैयबा चली गई, जाओ जल्दी करो। अम्मी रश देखे कैसे लगा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज्यादा रश लगा। हाँ आयत बैठी हुई है वहाँ पे साथ मुस्तफा के। आप चले जाएं थोड़ी देर नहा लें बच्चों के साथ। अच्छा अभी ना टाइम ओवर हो गया और सामने वो जो गाड़ी खड़ी ना, सबको बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बस मगरिब से पहले पहले ना यहाँ से सब निकल जाए। अच्छा मगरिब की अजान अभी हो गई है और यहाँ से व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मोना और तमन्ना मेरे साथ हैं और अभी हम पहुँच गए हैं वॉशरूम वाली साइड पे। यहाँ से जो है जेंट्स की साइड है और दूसरी साइड से लेडीज जा रही हैं, क्योंकि मगरिब की नमाज का वजू बनाना है तो इसलिए अभी आए हैं यहाँ पर। और देखें यहाँ से चाँद कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरी आँख से जो मैं देख रही हूँ। पता नहीं अब कैमरे की आँख से कैसे दिखाई दे रहा आप सबको। अच्छा वजू करने के बाद अभी हम नमाज वाली साइड पे आ गए। यहाँ पे जो है आदमी नमाज पढ़ रहे हैं इस साइड पे, और सामने इधर जो है लेडीज साइड है, यहीं पे अंदर जाके अभी हम नमाज पढ़ते हैं मगरिब की। और ये मस्जिद है, लेडीज मस्जिद है, यहीं पे सब नमाज पढ़ रहे हैं और हम भी अभी यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। अभी हमने नमाज पढ़ ली और वापस जा रहे हैं जहाँ पे अम्मी बच्चे और सितारा बैठे हुए हैं सब, और वहीं पे जाके देखते हैं कि अभी हमारे आगे की क्या रूटीन है। और शायद अभी जाके खाना लेंगे बाहर से, क्योंकि उस वक्त जब मैंने अपने हस्बैंड से खाने का कहा था तो वो कह रहे थे कि मैं नहा लूँ फिर जाऊँगा लेने के लिए। और बस अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर बैठे हुए अम्मी वाले वहाँ पर उस जगह पर जहाँ से ये रेड लाइट आ रही है, और वॉशरूम तक जाते जाते ना हमारी अच्छी खासी वॉक हो गई है। हानिया ने सीप इंजॉय कर लिया है और नहा भी लिया है। हानिया ने बड़ा ही अच्छा खासा इंजॉय किया है, और अभी जो है ना सब सामान उठा के चले गए गाड़ी की तरफ। लास्ट में मैं और हानिया रह गए, और मैं और हानिया जा रहे हैं अभी गाड़ी की तरफ। मम्मा ये है इतना दूर। हाँ। इसमें तो बस घास घास घास। आपको पसंद नहीं आया ये सी? यम्बो पसंद नहीं आया आपको? यम्बो पसंद आया बस। समंदर पसंद आया। समंदर पसंद आया बस, कुछ और कुछ नहीं पसंद आया हानिया को समंदर के अलावा। हानिया ये रही हमारी गाड़ी सामने, चलो बैठो, शाबाश जल्दी करो, इस साइड से चलो, इस साइड से। यम्बो से निकलने के बाद अभी हमने बदर में स्टॉप किया, और सामने यहाँ पे होटल है जहाँ से अभी हम खाना ले रहे हैं। आ जाओ सब उतरो नीचे, खाना खा लो जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ, मुझसे उठाओ, मोना को भी उठाओ। खाना लेने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ आई लव बदर, और बिल्कुल यहाँ पे हमने अपना मैट बिछाया और यहीं पे खाना रख के अपना दस्तरखान लगा रहे हैं, और यहीं पे अब खाना खाएंगे सब। मोना नहीं है अभी तक। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और ये जो लिखा हुआ ना आई लव बदर, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ यहाँ से। और यहीं पे अभी हम बैठ गए, यहाँ पे अभी हमने अपना दस्तरखान लगा दिया, बच्चे सोए हुए थे, ज़बरदस्ती सबको उठाया है, मोना अभी तक नहीं आई, और बस यहीं पे दस्तरखान लगा के अभी सब खाना खा रहे हैं। उसको आगे आ जाओ यहाँ से, और यहीं पे सब ने खाना जो है ना शुरू कर दिया। बस तैयबा नहीं है हमारे साथ, मोना भी नहीं है और आयत भी नहीं, क्योंकि सब सोए हुए हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी सब ने खाना शुरू कर दिया। खाना खा लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। पेट भर के खा लिए? पेट भर के खा लिए। फैमिली आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सब ने खाना खा लिया, चलें अब? चलो चलो उठो मोसा चलें। और बस अभी जा रहे हैं सब, गाड़ी में अभी सब बैठ रहे हैं, और बस उसके बाद फिर मदीना की हमारी वापसी है। हाँ को तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है ना, अभी भी से नींद आ रही है। हम खाना खा रहे थे और ये वहीं पर सोई हुई थी। और अभी हम इस खूबसूरत से शहर बदर को बाय बाय कर रहे हैं और मदीना जा रहे हैं। अभी हम बदर से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है हमारे पास 11:05। मदीना मुनव्वरा पहुंचने में 124 किलोमीटर बाकी, और अभी हम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं, और टाइम हो रहा है हमारे पास 12:50 रात के। अभी हम घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रात के 1 बज रहे हैं।
अभी अभी हम घर पहुंचे हैं और रात का 1 बज रहा है यहाँ पे सऊदी अरब में, और बच्चे जैसे ही वहाँ से आए सब बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि किसी ने खाना खाया रास्ते में, किसी ने नहीं खाया, आते ही सब लेट गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे सो गए, और मैं भी अभी ऊपर जा रही थी, सोचा बस मैं अपने ब्लॉग एंड यहीं पर करती जाऊँ। आप सबके प्यार ने और आप सबसे जो प्यार मिल रहा है उसकी वजह से जो है ना 82 हो गया हमारे, 82K हो गया माशाल्लाह तबारक रहमान, और बहुत जल्दी हुए हैं। ये सब आप सबकी बदौलत है, आप सबकी वजह से हुआ है, और इंशाल्लाह अगर सितारा के होते हुए हमारे 100K हो गए तो इंशाल्लाह अच्छा सा हम सेलिब्रेशन करेंगे। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में और अपने ढेर सारे प्यार में मुझे याद रखिएगा। बस हमारी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है, और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। आप सबको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।